हेलो दोस्तों, मैं रेनु दुबे देसी किचन बाय रेनु डी चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको पोहे से एक बहुत ही बेहद आसान नाश्ता बताने जा रही हूँ, जो बहुत जल्दी बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। दोस्तों, अब हम अपने पोहे को वॉश कर लेते हैं अच्छी तरह से। इसको दो तीन पानी हम धुलेंगे। दोस्तों, हमने अपने पोहे को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसको हम दो तीन मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं और अपना आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों, तीन चार मिनट हो चुके हैं, हमारा पोहा खूब अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसमें हम उबले हुए आलू ऐड करेंगे, जो कि हमने उबाल के छील के और मैश करके रख लिया है। दो बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी ऐड करेंगे। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम थोड़ा मसाला भी ऐड करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। के हाथ से हम मिक्स करेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। हमारा डो एकदम बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम हाथ में हल्का सा तेल लगा के और इसकी बॉल्स बना लेंगे। हल्के हल्के हाथों से इसकी बॉल्स हम बनाएंगे। देखिए, हमने अपनी बॉल्स को इस तरह से रेडी कर लिया। अब हम इसको छानने के लिए चलते हैं। हमने अपनी गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है, कढ़ाई में तेल ऐड कर दिया है और हमारा तेल गर्म भी हो चुका है लगभग। अब इसमें हम अपने पोहा बॉल्स को ऐड करते हैं। गैस की फ्लेम को हम कम ही रखेंगे, इससे कि हमारी बॉल थोड़ा करारी हो। गोल्डन ब्राउन होने लगी हैं। थोड़ी देर इसको और हम पकाने के बाद फिर इसको हम निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी पोहा बॉल्स बनकर रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता लगता है दोस्तों खाने में। आप भी एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिए और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।